और अपना एक और पार्सल है जो कि अगारो का कॉफी ग्राइंडर है। ग्राइंडर से मंगवाया क्योंकि अपना एस्प्रेसो मशीन में ना बहुत ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ग्राइंड क्या कॉफी है उतना पूरा लगेगा। यहाँ से गिरेगा कप, छोटा सा दिया है इस कप को यहाँ पे रखने से। ये टाइमर एडजस्टर है, से ऊपर होगा से नीचे होगा और इससे ऑन होगा। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद वापस से एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया बारबेल आया है डीएनए के लिए बुल डॉग से, सेबर टूथ बार। हाँ उसको भी खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं, चलिए खुल गया है। स्पेशली फॉर पावर विथ स्ट्रेंथ जो एलिगो का बारबेल यूज होता है आईपीएल में, सेबर टूथ बार इज द मोस्ट क्लोजेस्ट वन। ऑल पावर लिफ्टर्स विल एग्री दिस। और अपना एक और पार्सल है जो कि अगारो का कॉफ़ी ग्राइंडर है। ग्राइंडर से मंगवाया क्योंकि अपना एस्प्रेसो मशीन में ना बहुत ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ग्राइंड जो है बीन्स का जो साइज चाहिए पाउडर का, वरना एस्प्रेसो सही नहीं निकलता है। तो उतना महंगा मशीन लेके फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ये बेस्ट क्वालिटी का ग्राइंडर भी मंगवा लिया है। तो ये है अपना ऑलमोस्ट क्लोज टू पोर्टेबल अगारो का कॉफ़ी ग्राइंडर, इसको पिएंगे इफ्तार बाद रात को वापस आके चलना। क्या साफ है, मेरा फेस दिख रहा है। अरेंजन अरेंजन यहाँ पे सब नाम दिया हुआ है क्या चीज का ग्राइंड चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेंच प्रेस, पोर ओवर, फिल्टर कॉफी, साइफन, मोका और जो अपने को मेनली चाहिए एस्प्रेसो। तो ये है डिजिटल स्क्रीन, टाइमर बेस्ड है, कितना सेकंड में क्या कॉफी है आपको उतना पूरा लगेगा। यहाँ से गिरेगा कप, छोटा सा दिया है इस कप को यहाँ पे रखने से। ये टाइमर एडजस्टर है, से ऊपर होगा से नीचे होगा और इससे ऑन होगा। हाँ तो जब कॉफी ग्राइंड होगा तो फिर दिखाएंगे। अभी अपना वर्कआउट टाइम, इस वीक का डे वन वर्कआउट, आज वॉक करते हैं और वर्कआउट करने चलते हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो काफ़ी लास्ट सेशन में डिहाइड्रेशन हुआ हमको, तो ये भी एक चीज़ नोट करके रखा है।
अभी इंटरवल हुआ है 28 kg से, अभी और बाकी है। प्लस इतना गर्मी प्लस इंटेंसिटी के पंखा चल रहा है, एसी भी फुल चल रहा है, बड़ा हालत ख़राब है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है पूछा ये सब। अपना अराकू का नया कॉफ़ी बीन्स मंगवाया है नया मशीन के लिए, बस यही है। बाकी आपके लिए आप खुद हो, तो ऊपर वाला कभी किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। सिर्फ हम मांगे तो ऊपर वाले से मांगे, और जो ऊपर वाला हमें हर चीज़ दे जो हमारे लिए सही है, और बेशक वो हर चीज़ देता है जो हमारे लिए सही होता है। रही फ्यूचर की बात, तो लोग बोलते हैं इसमें फ्यूचर नहीं है, उसमें फ्यूचर नहीं है, ये करो वो करो, तो फ्यूचर हर चीज़ में है, आपको बनाना आना चाहिए। खुद पे विश्वास रखो और ऊपर वाले पे विश्वास रखो, बाकी सब कुछ सही से होगा। बस अपने दुआ में मुझे याद रखे, सही का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।